नमस्कार दोस्तों, हम सब ने जीवन में कई कहानियाँ सुनी, पढ़ी या देखी होगी। इनमें से कुछ एक कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आज मैं आपके समक्ष ऐसी ही एक मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी लाया हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी, साथ ही आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का रास्ता भी बताएगी। बस आपको इस कहानी को पूरा पढ़ना होगा। कई सालों पहले किसी एक राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन इसके पास चार ऐसे जंगली घोड़े थे जो इस राजा को काफ़ी पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो यह उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते। राजा को घोड़े प्यारे बहुत थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन पर जो ज़बरदस्ती ना की जाए, यानी कि इन्हें मारा पीटा ना जाए। कई महीने निकल गए, मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त कि घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मार पिटाई होनी चाहिए ऐसा उस युवा को बताई। युवा ने राजा की शर्त मान ली और अपनी तरफ से भी राजा के सामने दो शर्त रख दी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी दो शर्तें हैं। जो आप मानो तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊँगा। राजा ने कहा, पहले शर्त तो बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई और विकल्प था नहीं। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को टर्न करने में सफल नहीं हो पाया था, और अब तो नए ट्रेनर्स भी आने बंद हो गए थे। राजा ने युवा ट्रेनर की सारी शर्तें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को लेकर बीएन गया और वहां सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद वह युवा ट्रेनर वहीं बाड़े में लेट गया। वहाँ से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को नहीं बांधा था। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्यक्रम बन गया। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त हैं और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है बाड़े में आया। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। देखते ही देखते एक साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हैं, सो राजा एक बार आकर देख ले। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे तुम बताओ कि तुमने यह कैसे किया। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आज़ाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी पिलाया। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह पीठ पर बैठा कर
दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोना मुहावरे दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही मज़ेदार और रोचक है ही, मगर इसका जो सारांश है बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन चार घोड़ों की तुलना की जाए तो यह चार घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच, और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से युवा ट्रेनर ने समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा लेता है वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।